ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल व्यक्ति इस संसार में अपने को बहुत ही भाग्यवान महसूस करता है। जब मनुष्य को हर कर्म में और हर कदम पर सफलता मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो सफलता की माला अपने गले में डलवाना न चाहता हो। परंतु सफलता के बहुत सारे आधार हैं। कुछ बातों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए, चाहे बीमारियां ठीक करने में सफलता मिले, नौकरियों में प्रमोशन में सफलता मिले, बिजनेस में सफलता मिले, विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिले, संबंधों में सफलता रहे, जो भी फील्ड है उसमें सफलता का आधार है एक बल, एक भरोसे जीना, केवल सर्वशक्तिमान में ही विश्वास करना, उस पर विश्वास रखना कि वो हमारे साथ है, हमारी सफलता निश्चित है। क्योंकि जितना हमें निश्चय रहता है उतनी ही सफलता निश्चित होती है। जो निश्चिंत हैं उनकी सफलता भी निश्चित है, और निश्चिंत रहने का आधार निश्चय है। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, अपने भविष्य में निश्चय, अपनी सफलता में निश्चय। हम सभी ध्यान दें कि कहीं हमें स्वयं में ही डाउट तो नहीं रहता हम सफल होंगे या नहीं होंगे। एक स्टूडेंट मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम देकर आई है। उसको बार बार डाउट हो रहा है मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वो बहुत परेशान है। उसने अपने अंतर मन में शायद ये भर लिया है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो जरूर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो अपने अंतर मन में ये निश्चय कर ले सफलता मेरी ही होगी तो सफलता उसके चरण अवश्य छूमेगी। तो निश्चय कि अपनी परसेंटेज को बढ़ाते चलें। और तीसरी बात करें, सफलता का आधार है दुआएं। हमें महान आत्माओं की भी दुआएं प्राप्त करनी है, और हमें तो दुआएं दे रहा है स्वयं भगवान। विचार कर लें, अगर अपने परमपिता की दुआएं लेनी है तो क्या करना होगा? उसके दिल को जीतना होगा, उसके आज्ञाकारी बनना होगा, अच्छे योगी बनना होगा। अगर वे कहते हैं अपनी समस्याएं मुझे अर्पित करके तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ तो हमें ऐसा करना होगा। यदि वे कहते हैं तुम पवित्र बन जाओ, परचिंतन से मुक्त हो जाओ, तुम व्यर्थ को विदाई दे दो तो हमें ऐसा करना होगा। तब हमें बाबा की दुआएं मिलती रहेंगी और महान आत्माओं की दुआएं। हम उन्हें सुख देते रहेंगे, हम उनको एप्रिशिएट करेंगे, हम उनके कार्यों में सहयोगी बनेंगे, हम यज्ञ की सेवाओं में उनको मदद करेंगे, तो महान आत्माओं की दुआएं भी हमारे साथ रहेंगी। और ये दुआएं सचमुच हमें सफलता की ओर ले चलती हैं, कठिन कार्यों को सरल कर देती हैं, असंभव कार्यों को संभव बना देती हैं। तो हम लक्ष्य रख लें, हमें किसी को बद्दुआएं भी नहीं देनी है। कोई हमें बद्दुआएं दे भी तो हमें उसे 10 दुआएं दे देनी है। इस तरह अपने मन को हम खुशियों से भी भरपूर रखेंगे और दुआओं के खजाने से भी भरपूर, तो सचमुच हमें सफल होने में कोई भी रोक नहीं सकता। जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, जिनका मन अच्छा नहीं होता, उनको सफलता मेहनत के बाद भी नहीं मिलती है। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं तो सफलता मूर्त हूँ, मुझे बाबा का वरदान है, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और वे कह रहे हैं बच्चे
सफलता मूर्त भाव। कोई भी कार्य करने से पहले इसको स्मृति में रखकर ही कार्य की ओर चलेंगे और साथ साथ हम ऊपर की ओर देखेंगे और बाप दादा का आह्वान करेंगे। हर घंटे में एक बार बाबा का अवश्य आह्वान करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे, उनका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।